पिछले एक महीने से लॉकडाउन की वजह से सभी तरह की गतिविधियों को बंद किया गया था, जिसमें वाहन टू व्हीलर्स फोर व्हीलर टू व्हीलर सभी आ गए इसमें। तो इसके साथ साथ शराब की बिक्री भी बंद कर दी गई थी। तो जहाँ तक हमें पता है, इस लॉकडाउन में एक्सीडेंट के केसेस बिल्कुल भी नहीं आए। लेकिन अभी फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ, एक कार चालक ने शराब के नशे में धुत होकर बीजापुर के नवबाग से जाने वाली रोड, जिसे नई रोड कहा जाता है, वहाँ पे डिवाइडर के बीचों बीच कार को चढ़ा दी। तो इसमें कार में तीन लोग थे जिनको छोटी मोटी चोटें आई, लेकिन तीनों ने शराब पी रखी थी। तो क्या जैसे ही लॉकडाउन खुला सरकार ने शराब की छूट दे दी, सभी लोग इस तरह से अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते रहेंगे अपनी जान खतरे में डालेंगे? जिनको शौक है वो पिए, शराब पीने में मतलब जो शौकीन रखते हैं उसको जिस तरीके तरीका होता है उसका, मतलब लोग कम क्वांटिटी में पिए, लेकिन शराब पीकर गाड़ी कभी ना चलाए। अच्छा, मतलब अभी गनीमत रही कि उन लोगों को कुछ हुआ नहीं, चाहे कोई भी हो तो उनको कुछ हुआ नहीं। अगर हो सकता था कि कोई पैदल सवार था उनको ऊपर गाड़ी चढ़ जाती तो किसी को दुर्घटना नहीं घटी, अच्छी बात है। लेकिन शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, इससे बचें। अगर पीना है तो एक अपने जगह पे घर पे बैठकर पिए, कहीं भी मतलब अपना प्रोग्राम बनाकर पिए, वहां पर पीकर ऐसा कुछ गलत ना करें कि आपकी जान को धोखा हो। तो इसलिए क्या हमारी रिक्वेस्ट है स्वराज एक्सप्रेस से, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप शराब के शौकीन है तो शराब पिए, लेकिन क्या अपने घर पर बैठकर पिए। सरकार ने थोड़ी बहुत छूट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप शराब लेकर अपनी गाड़ियों को लेकर आप घूमते रहें, किसी को भी टक्कर मारें, खुद की जान खतरे में डालें। तो प्लीज़ शराब को, अगर शराब पीना है तो घर पर बैठकर पिए, शराब पीकर गाड़ी मत चलाएं।